सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। जहां कोरोना वायरस का खौफ लोगों के दिल से कम नहीं हो रहा, वहीं दूसरी ओर जिले में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धार्थनगर जिले में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पुरानी रंजिश में एक युवक की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। मामला जोगिया कोतवाली क्षेत्र के भुरजाई गांव का है। कल रात में इस गांव आरोपी झकरी लोध और मृतक कृष्ण चंद तिवारी के बीच काफी पुरानी रंजिश चल रही थी। आए दिन इन दोनों परिवारों विवाद रहता था। कल रात इन परिवारों में काफी विवाद हुआ और मारपीट भी हुई। मृतक कृष्ण तिवारी को झकरी के परिजनों मिलकर कुदाल से काट डाला। गंभीर रूप से घायल कृष्ण तिवारी को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों स्थिति को गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां आज इलाज के दौरान कृष्ण तिवारी ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना के पुलिस अधीक्षक विजय धुल्लर भी मौके का जायजा लिया। आपको बताते चले कि इस घटना के बाद भी पुलिस की लापरवाही भी उजागर हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस घटना के 2 घंटे बाद पहुंची। यहां तक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं हो पाई, परिजन अपने साधन से अस्पताल ले गए। वही परिजन अब इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और पुलिस एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर आगे की कार्यवाही जुट गई है। सर, एक बांसी के भुजराई गांव में घटना हुई है, पूरा मामला क्या है और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा? ये थाना जोगिया अंतर्गत भुजराई गांव में कल रात के समय दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। एक व्यक्ति कृष्णचंद तिवारी गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनके सिर पर काफ़ी चोट थी। उनको प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल सेंटर में रेफर किया गया था, जहां पर आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। कल रात के झगड़े के बाद पुलिस द्वारा थाना जोगिया पर धारा 307, 324, 323, 504 महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज सुबह मजरूप की मृत्यु होने के पश्चात मुकदमे में धारा 302 की वृद्धि की गई है। 4 लोगों को पीड़ित पक्ष द्वारा नामजद किया है, जिनमें से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही वो 3 लोग भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और क्या घटना इस गाँव में घटी है, कौन सा गाँव है ये? हमारा नाम अमरावती। क्या घटना यहाँ घटी है? अभी यह घटना घटी है भैया कि सब लोग बैठे थे, उसको उठा ले जाकर वहाँ पे काट दिया। किसको काटे? कृष्णचंद महाराज को। कौन काटा है? झकरी ने। काटने के बाद क्या स्थिति हुई? कुछ न स्थिति नहीं है। जब 100 नंबर दबाया गया तो नंबर दबा दिया, नहीं फोको न आया। उसके बाद एम्बुलेंस दबा दिया, नहीं आया। तो 2 घंटा लहास यहाँ पे पड़ा था, तो 2 घंटा बाद मार्शल से हम लोग ले गए हैं जिला में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ले गए उनका, वहाँ पे जवाब ले दिया, गोरखपुर को जेल गए। तब वहाँ गए सब मेडिकल वोटकल हो गए, तो गोरखपुर एक्सपायर किए। गोरखपुर एक्सपायर हो गया। कितने लोग मारने वाले में थे? मारने वाले तो चार, पूरा परिवार ही बन के रहना है। भैया बताई, उदाई, झकरी, पप्पू, गुल्लू, गुड्डू, बिशनलाल, मैंने क्या बिलगा हमारे परिवार में मारा लागे। 7 बजे बड़े जने क्या, बड़े जने जब मारा लागे तो हम जब मारा लागे तो हम गैली कारी हाथ जोड़ रखे, भैया ना मारे तो ना ही काबू। जब काटे तो हम गैली भदर गैली ऊपर हम आठ टंगे उठा दी, 3 दिन को पकड़ दी। यह कुल बात भाई है के ओमे रहल काम ना हो उनके। झकरी, पप्पू, गुल्लूर, गुड्डू, बाबुलू, बाबुलू आ बिग्गू आ झाई कोलाई बिशुलाल बिशुलाल उदई शंकर।